हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रोम शमीम में आपका स्वागत है। भाई ये क्या कहते रहते हो आप, रोम शमीम क्या है ये रोम? भाई रोम एक इंट्रो है, मेरे चैनल का नाम है रोम शमीम, और रोमिन होता है घूमना फिरना बेला गर्दी। तो ये मैं इंट्रो देता हूँ भाई रोम शमीम। तो आइए आज आपको सैर कराते हैं नगीना पार्क। दोस्तों मैं इस वक्त एंट्री कर चुका हूँ नगीने में, और ये नगीने का है मैरिज हॉल। ये है महाराजा अग्रसेन द्वार, और ये जो आप देख रहे हैं ये है नगीना कॉलेज। तो दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ नगीना पार्क के बाहर, और आज हम नगीना पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं यहाँ की बोटिंग, यहाँ की कैंटीन, यहाँ का पुल, यहाँ का तालाब और भी काफ़ी कुछ, और लेते हैं जानकारी कैंटीन पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, करते हैं एक्सप्लोर नगीना पार्क। तो दोस्तों यह है नगीना पार्क, और मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ नगीना पार्क, जो ये यहाँ पर जो बोटिंग के लिए एक तालाब बना गया है उसके ऊपर एक पुल है, और अच्छा खूबसूरत पुल लग रहा है। मेरे राइट लेफ्ट दोनों साइडों में जो है लाइटिंग लगी हुई है, रात को बहुत ही खूबसूरत लगती है ये। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगीना पार्क। अगर नेहटौर और नगीना पार्क को कंपेयर किया जाए तो स्पेस यकीनन नगीना पार्क का ज़्यादा है, और थोड़ी यहाँ पर जो है तालाब जो दिया गया है वो बहुत बड़ा है। नेहटौर में स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं है, यहाँ पर केवल बोटिंग के लिए इन्होंने दो हिस्सों में, ये जो आप देख रहे हैं पीछे, दो हिस्सों में बोटिंग कर रखी है। सेक्शन दिया गया है किड्स जोन, यहाँ पर चक्री झूला, ये है यहाँ पर किड्स जोन, यहाँ पर छोटे मोटे झूले हैं, और ये चक्री आप देख रहे हैं ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ बोटिंग का चार्ज लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ बॉय एंजॉय करते हुए झूले में, और एक भाई इधर है और एक ये। तो यहाँ पर कुछ बॉय हमें मिल गए थे पार्क में। तो कैसे हो सब? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से हो? नगीना से। कहाँ से? मोहल्ला से। मोहल्ला लोहाई से। अच्छा अच्छा, नगीने से है। जिला बिजनौर। तो पार्क की जो है कुछ खूबी बताएं, क्या क्या अच्छा लगता है पार्क? पार्क में बस सभी चीजें अच्छी झूलने वूलने मिल जाता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ की साफ सफाई के मुतालिक और यहाँ का मेंटेन के मुतालिक कुछ कहना चाहेंगे? ठीक लगता है एनवायरनमेंट यहाँ? और झूलने वूलने। तो ये जो पार्ट है इसका तो कोई चार्ज नहीं लगता ना? नहीं, केवल बोटिंग का चार्ज लगता है। बस का खाली उसका चार्ज है और बोट का चार्ज। बोट का क्या चार्ज है? 20 रुपीज। जी 20 रुपीज। तो जैसे कि बताया यहाँ पर दोस्तों ने, 20 रुपीज़ जो है चार्ज है बोटिंग का, बाकी ये फ्री है। तो ठीक है, ओके। सार्वजनिक शौचालय भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं साफ सफाई का मेंटेन अच्छा रखा गया है यहाँ पर, साफ सफाई का ख्याल। ये देखिए नेहटौर और नगीना पार्क का अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सा मेंटेन के एतबार से और साफ सफाई के एतबार से नगीने के नंबर थोड़े ज़्यादा हैं नेटवर्क के मुकाबले। तो दोस्तों मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ हॉट एंड कस्टी, ये पार्क की कैंटीन है,
बहुत ही खूबसूरत कैंटीन बनाई गई है यहाँ पर। यहाँ पर जो है आपको बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और यहाँ पर तरह तरह की काफ़ी जंक फूड आइटम आपको मिल सकती है। इस कैंटीन के जो है ऑनर कह लीजिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर आज़ाद भाई। आज़ाद भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल रोमिक शो पर। जी, धन्यवाद आपका। तो मैं ये पता करना चाह रहा था कि ये कैंटीन आपके पास कब से है? जी, ये कैंटीन लगभग मेरे पास 2 साल से है जी, और ये इसको पूरे पार्क, यानी कि मेरे पास इसको पूरे पार्क को मैं चला रहा हूँ। जी जी, तो मैं ये पता करना चाह रहा था इसकी टाइमिंग क्या है आज़ाद भाई, जैसे मॉर्निंग में कब से कब तक ये खुली रहती है? मॉर्निंग में वैसे देखा ना, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं सिटी के मॉर्निंग वॉक के लिए जी। ये मॉर्निंग में मिनिमम 6 बजे ओपन होता है जी, और जैसे कि हमारा कैंटीन वगैरह है जो बोटिंग है जी, पर ये सब ओपन होता है 10 बजे के आसपास ओपन होता है। अच्छा अच्छा, और नाइट में क्लोज भी 10 बजे होता है। तो मॉर्निंग 6 बजे से और नाइट लेट नाइट 10 बजे तक। तो अब जैसे विंटर समय चल रहा है तब भी 10 बजे बंद हो रहा है? जी जी, 10 बजे। अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ इस कैंटीन में क्या क्या अवेलेबल होता है? जी, हमारे यहाँ पर कैफे है, यहाँ पर पिज्ज़ा, सैंडविच, पेटीज, बर्गर, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ बहुत टेस्टी और लजीज़ मिलते हैं जी। तो ये केवल इवनिंग में होता है कि लंच टाइम में होता है? जी, ये फुल डे होता है। अच्छा, फुल डे जी। तो बताया आज़ाद भाई ने, फुल डे जो है इस कैंटीन पर आप जंक फूड वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, चिप्स वगैरह, नमकीन, जो भी आपको चाहिए ये अवेलेबल है। तो टाइमिंग यहाँ की 6 बजे से और लेट नाइट 10 बजे तक, इस वक्त विंटर में भी यही टाइमिंग है। चूँकि सुबह मॉर्निंग में काफ़ी लोग यहाँ पर मेल फीमेल एक्सरसाइज के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की कैंटीन, यहाँ की बोटिंग, यहाँ की जो है किड जोन और यहाँ की जो है गार्डन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब मैंने एक्सप्लोर किया। तो चलिए अब चलते हैं नेटवर्क, कंपेयर करते हैं नगीना और नेटवर्क पार्क में कितना डिफरेंसेस है। तो चलिए, तो दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं नेटवर्क पार्क में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं नेटवर्क पार्क। तो ये जो तालाब है बोटिंग के लिए, सिर्फ एक ही खंड है यहाँ। अगर कंपेयर किया जाए नगीने के मुकाबले तो बहुत ही छोटा है और बहुत कम स्पेस है। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं नेटवर्क पार्क। ये है यहाँ की टॉयलेट, ये नेटवर्क पार्क की कैंटीन, ये लेफ्ट साइड में ये सिटिंग रूम। हम इस वक्त जा रहे हैं स्विमिंग पूल की साइड में, ये देखिए, ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। क्योंकि इस वक्त विंटर का सीजन है, लेकिन यहाँ पर जो है समर सीजन में भी स्विमिंग पूल एक आध सीजन में ही चल पाया है, बाकी मोस्टली ये बंद ही रहा है। ये है नेटवर्क पार्क और आप देख ही रहे हैं यहाँ का मेंटेनेंस और यहाँ की साफ सफाई। तो अगर कंपेयर की बात की जाए तो यकीनन नगीना पार्क, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही डेवलप है, बहुत ही वेल मेंटेन है यहाँ के मुकाबले। चूँकि नेटवर्क का पार्क जो है एक आबादी एरिया में है, एक रीज़न ये भी है कम जगह होने की वजह से, तो चूँकि जगह यहाँ पर जो है थोड़ी शॉर्ट है, उसके मुकाबले काफ़ी हद तक जो है बहुत बेहतर किया है, करने की कोशिश की है, लेकिन यह है कि मेंटेन थोड़ा यहाँ का डाउन है। यह है नेटवर्क का किड जोन एरिया और यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट है, मशीन वगैरह एक्सरसाइज के लिए। तो जैसा वहाँ पर चक्री वगैरह थी वो यहाँ पर नहीं है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट है एक्सरसाइज वगैरह के लिए और एक झूला यहाँ पर टंगा हुआ है, वो भी कितनी आवाज़ कर रहा है। तो भाई, अगर कंपैरिजन के तौर पर आप नंबर देंगे तो नेटवर्क पार्क को कितने नंबर देना चाहेंगे? और नेटवर्क का पार्क 10 of 4 मैं देना चाहूँगा। भाई, यहाँ से निकलने के बाद बहुत पढ़ने वाली है, सुरक्षा ले लेना कोई। तो दोस्तों, आपको नगीना पार्क और नेटवर्क पार्क कंपैरिजन कैसा लगा? और मैंने जो मार्क्स दिए 10 of 10 और 10 of 4, तो आप इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और
शेयर करें, लाइक करें। तो होगी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक रखें आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।